ମାଲକାନଗିରିରେ ଡାଇରିଆ ଆତଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ରୋଗୀ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ପ୍ରାୟ 25 ଜଣ ରୋଗୀ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଏହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ନେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେପଟେ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଡାଇରିଆ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ରହିଥିବା କକ୍ଷରେ ବେଡ୍ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। संपर्क में अधिक सूचना पाई आम सहित मालकानगिरी प्रतिनिधि लाइव जोड़ी होती विक्रम स्वाई। विक्रम, मालकानगिरी में डायरिया आतंक प्राय केते जन लोक डायरिया आक्रांत होती चिकित्सा केमती चली सूचना दियंतु। निश्चित रूप रश्मि देखु मलकानगि जिले में बनिया विपत्ति पर डायरिया चिंता डायरिया गत गोटे सप्ताह मध्य पखापाखि 50 ऊर्ध जन रोगी मलकानगि जिला मुख्य चिकित्सालय भर्ती हो सारे वर्तमान स्थित परिवर्तन आसी गत काली संध्या सुधा जहाँ मुख्य डाक्टर प्रफुल्ल कुमार बेहरा सूचना देते 25 जन पखापाखि रोगी चिकित्सित होते कि वर्तमान जहाँ कम आमाम चित्र देखे मुझे डायरिया वार्ड सम्मुखर अच्छी किसी दिन व्यवधान पखापाखि एक सप्ताह मध्य पाखापाखि 50 जन रोगी एठे एडमिट हो सारे कि वर्तमान गत काली संध्या सुधा 25 जन रोगी चिकित्सा ये चली अनेक जन एठर भल हो घर को फेरले जहाँ कि सब बड़ कथा हो डायरिया वार्ड में रही 6 बेड रही 6 बेड रु रोगी संख्या अधिक होवर बेड संख्या मत वृद्धि कर संपूर्ण स्थिति को आयत्त रखी जिला जिला प्रशासन तथा चिकित्सा विभाग संपूर्ण घटना को आयत्त रखी सहित कौन भाव में यार प्रतिकार कर कहीं कौन सी निर्दिष्ट अंचल रोगी आसी ना प्रायत मलकान जिले समस्त अंचल रोगी आसपाई गोटे चिंतार विषय मत कहीं जो भाव में डायरिया मारात्मक जिनस पूर्व आपत विभिन्न अंचल चित्र देखी जो भाव में डायरिया लोकों जीवन हानि घटी थे कि वर्तमान से प्रशासन संपूर्ण तप्तर रही आक्शन मोड में आसी एक कमी प्रतिरोध करता सहित जो रोगी मैंने मेडिकल को आसुँच से भल चिकित्सा जोगाई दिज्व से भल घर को फेर से चिंता प्रकट कर आक्शन मोड अच्छी जिला प्रशासन तक सब बड़ जिन रश्मि आप जानते हैं किछि दिन पूर्व माथिली अंचल दुईटी गाँव में झाड़ाबांति व्यापी पाखापाखि 30 जन आक्रांत होते जनकर मृत्यु घटी कि ये गोटे चिंता जनक जिनस कहीं जो भाव में बना विपत्ति पर डायरिया चिंता जिला प्रशासन पर गोटे बड़ चैलेंज रोच सब बड़ कथा हो बेड संख्या बढ़ा जा 6 बेड रु वृद्धि कराईकना जो भाव में मात्र 6 बेड था कहीं पूर्वर यह चित्र किसी नाला जे डायरिया एत मात्र व्यापी डायरिया सहित प्रशासन पक्षर जिला चिकित्सा विभाग पक्षर व्यापक प्रस्तुत रखा जाए नर्स अच्छा मैडम कौन स्थित रही बर्तमान डायरिया पूरा पेसेंट भर्ती अच्छा आज टी कम अच्छी कल बहुत थी बेड संख्या मतलब बुद्धि कर हाँ पेसेंट अधिक वर्तमान स्थित देखो मैंने कौ कौ एरिया विशेषकर रोगी आस तो पर्टिकुलर कहीपर एड्रेस हाँ सब एरिया आसुँच निश्चित रूप रश्मि प्रतिक्रिया आम शुणुले नर्स थे जो प्रतिक्रिया दूसरे विभिन्न एरिया एठाक रोगी आसुँचे बेड संख्यार वृद्धि कर जो भाव में पूर्व कहती मात्र बेड था कि 6 मात्र बेड था कि वृद्धि कर जिलार विभिन्न अंचल व्यापी डायरिया डायरिया व्यापला केते रोग आक्रांत होती क्यों क्यों अंचल लोके आक्रांत होती केमती चिकित्सा करवास्थ्य विभाग टीम पहुंची कि से गाँव में जो गाँव में डायरिया आक्रांत रही निश्चित रूप रश्मि आम जो मुख्य डाक्टर जी रही डायरिया विभाग डॉक्टर प्रफुल्ल कुमार बेहरा सहित गत काली संध्यार आलोचना करूली जे जो भाव में जो विभिन्न रोगर विभिन्न रोगर विभिन्न अंचल एठाक रोगी आसुँच तेणु निर्दिष्ट भाव कहपरजे गोटे गोटे अंचल को व्यापी कहीं जिलार विभिन्न अंचल एठाक रोगी आसुँच सब बड़ जिनस कहीं जो भाव में डायरिया सिम्टम्स कथा जानते हैं प्रायत दूषित
जल व्यवहार किंवा यह जिनस डायरिया व्यापी थाए तेणु से जिला प्रशासन को कड़ा आभिमुख्य ग्रहण करार आवश्यक रही जेहेतु भाव में मात्रा बढ़ुची कहीं मुझे कहती एक सप्ताह मध्य पचास रु ऊर्ध रोगी एटार आडमिट हो सारे जिला मुख्य चिकित्सालय बर्तमान गत काली संध्या सुधा पचीस जन रोगी रही है कि आज जहाँ अब नर्स प्रतिक्रिया नौले किसी समय पूर्व कम कमी रोगी संख्या कहीं गत काली पचीस थे कि बर्तमान जहाँ ताजा सूचना मिलूँ पखापाखि दस रु पंदर जन रोगी अच्छा मलकानगिरी डायरिया आतंक जिले में एक सप्ताह धरी पचास रु ऊर्ध डायरिया आक्रांत चिन्हट है समस्त चिकित्सा चली स्वास्थ्य विभाग टीम डायरिया प्रभावित अंचल में पहुंची धन्यवाद विक्रम आपण समस्त सूचना जदि आपणको आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।